सड़क पूरी तरह से डूब चुकी है, जिससे इलाके के लोगों को काफी परेशानी हो रही है। पंजाब के भाखड़ा डैम से छोड़ा गया पानी लगातार पंजाब के आनंदपुर साहिब और आसपास के इलाके के गांवों के लिए एक बड़ी मुसीबत बन चुका है। मैं इस वक्त आनंदपुर साहिब के लोधीपुर और बुर्ज गांव को आपस में जोड़ने वाली सड़क पर मौजूद हूं और यहां पर सड़क पर आप देखिए पानी किस तरह बहाव के साथ आगे जा रहा है। ये सतलुज नदी का पानी है। भाखड़ा डैम से जो पानी छोड़ा गया वो सतलुज नदी में पहुँचा और उसके बाद ओवरफ्लो होकर यहाँ पर जो गाँव हैं वहाँ पर ये पानी लगातार आगे बढ़ रहा है। जो यहाँ पर धान की तैयार फसल है वो लगातार इस पानी की वजह से बर्बाद हो रही है। लोग किस तरह से इस पानी में निकल रहे हैं आप देखिए, इस पानी के बीच में से होकर लोगों को गुजरना पड़ रहा है। सड़क के ऊपर पानी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आप ये बताइए जो भाखड़ा डैम से पानी छोड़ा गया कितना नुकसान आप लोगों का हुआ है? यहाँ पे जो लोधीपुर और बुर्ज जो जितने भी यहाँ पे गाँव हैं, मटोर है, लोधीपुर है, बुर्ज है, उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। इस पब्लिक पशु भी सभी बाहर तड़फ रहे हैं। इतना इतना पानी है कि आप लोगों के घरों में पानी पड़ा हुआ है। जो आप देख रहे हैं सामने दीवार टूटी पड़ी हुई है, ये भी लोग परेशान हो रहे हैं। इतना नुकसान जो हुआ है अभी तक तो प्रशासन का तो कोई हमने देखा नहीं है अभी। अच्छा, हाई अलर्ट था उसके बाद भी कोई इंतजाम नहीं किए गए? भाखड़ा डैम से पानी छोड़ा गया, इतने गाँव डूब गए हैं पानी में, कोई इंतजाम नहीं है। बहुत गरीब मार है, बहुत ज़्यादा। इतना पानी लोगों के घरों में पानी है, कितना पशु जानवर, बहुत नुकसान हुआ लोगों का। तो ये पानी किस कदर मुसीबत बन रहा है आप देखिए, पानी की रफ्तार देखिए, जो सतलुज नदी ओवरफ्लो कर रही है उसके बाद गांवों में पानी कितनी रफ्तार के साथ जा रहा है आप देखिए। यहाँ जो पानी की रफ्तार है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी तेज स्पीड के साथ ये पानी लगातार गाँवों में एंटर हो रहा है। तो वहीं सतलुज नदी का पानी पूरे इलाके में घुस चुका है, जिसकी वजह से लोग अपने घरों में कैद होकर रह गए हैं। पंजाब के भाखड़ा डैम से जो पानी छोड़ा गया था वो सतलुज नदी के माध्यम से ओवरफ्लो होकर और कई जगह पर सतलुज नदी का तटबंध टूटने की वजह से आसपास के गांवों को लगातार डुबोता जा रहा है। मैं इस वक्त पंजाब के आनंदपुर साहिब के लोधीपुर गांव में मौजूद हूं। ये गांव सतलुज नदी से सटा हुआ गाँव है, लेकिन यहाँ पर देखिए सतलुज नदी का पानी अब क्या तबाही बरपा रहा है। लोग अपने घरों में कैद होकर रह गए हैं। घरों के आसपास पानी देखिए और पानी की रफ्तार देखिए कितनी तेज़ रफ्तार के साथ ये पानी लगातार गाँवों की ओर बढ़ता ही जा रहा है। गाँवों में फसल डूब चुकी हैं और अब जो लोग घरों में रह रहे हैं वो देखिए किस तरह से अपने घरों में कैद हैं बच्चों के साथ। यहाँ पर देखिए लोग अपने घर की छतों पर खड़े हैं, महिलाएं अपने घर के अंदर फंसी हुई हैं बच्चों के साथ। इनके घर के चारों तरफ पानी ही पानी है और जो लिंक रोड्स हैं गाँव को शहरों से जोड़ने वाली, दूसरे गाँवों से आपस में जोड़ने वाली, वो सब पानी में डूब चुकी हैं। हमारे साथ ये परिवार है, आप बताइए आप घर में ही कैद होकर रह गए, इतना पानी हो गया? जी, घर में ही कैद हैं हम सारे और यहाँ पे पानी में बहुत ज़्यादा पानी है, पूरे खेतों में घरों में पानी आ चुका है और खाने की कोई प्रबंध नहीं है किसी के घर में। बेचारे सारे कोई छतों पे खड़े हैं, कोई कहीं खड़े हैं। स्थानीय कोई यहाँ पर अधिकारी पहुँचा आपका? नहीं, अभी तक कोई नहीं पहुँचा। और सुबह पानी में इस अटैक भी आया एक लड़के को और उसको लेकर भी गए हैं गाँव। बड़ी मुश्किल से निकाला है सुबह। आप ये बताइए फिर आप लोग घरों में ही कैद होकर रह गए, घर में ही बंद है? घन बस पानी की रफ्तार के साथ वे दो दिन हो गए पानी आता रहता है तो जाता रहता है। आज कुछ ज़्यादा ही कुछ बहलाव पानी का है तो क्या बताएं। कोई आप ये बताइए कि पहले हाई अलर्ट था लेकिन सरकार नहीं जागी, अब गांव डूब रहे हैं, अभी भी यहां पर कोई सरकारी प्रबंध नहीं है? अभी कोई भी नहीं आया यहां पे, कोई भी नहीं है, बच्चे भी घरों में हैं। तो आप कैसे अब खाना पीना कैसे कर रहे हैं? बस जो घर में है वही है, जाने के लिए रास्ता भी नहीं है कहीं हमारे। लोग परेशान हैं। तो वहीं भाखड़ा डैम का पानी छोड़े जाने के बाद आनंदपुर साहिब के इलाकों में कमर तक पानी भर गया है, जो लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। भाखड़ा डैम से छोड़ा गया पानी पंजाब के आनंदपुर साहिब के आसपास के गांवों के लिए बड़ी मुसीबत बन चुका है। जो पानी भाखड़ा डैम से छोड़ा गया था वो सतलुज नदी में आया और उसके बाद सतलुज नदी कई जगह पर ओवरफ्लो हो गई और कई जगह पर सतलुज नदी के जो तटबंध थे वो टूटने के बाद जो गांव हैं वो लगातार पानी में डूबते जा रहे हैं। मैं इस वक्त देखिए जहां पर चल रहा हूं यहां पर सड़क हुआ करती थी, लेकिन फिलहाल आपको ऐसा लगेगा जैसे मैं किसी पानी के तालाब या नाले में खड़ा हूं। और ये पानी आप देखिए, जो फसल यहां पर धान की तैयार थी उसको तो डुबो ही चुका है, लेकिन जो रिहायशी इलाके हैं अब गाँवों के जो घर हैं वहाँ तक ही पानी आ चुका है। ये घर देखिए, इन घरों के अंदर जो लोग हैं वो या तो ताले लगा कर जा चुके हैं या फिर जो घर के पुरुष हैं वो घर की रखवाली कर रहे हैं और यहीं पर रुके हुए हैं। आप देखिए ऊपर कुछ लोग आपको दिखाई देंगे जो कि अपने घर का ध्यान रखने के लिए, अपने घर की रखवाली करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन ये लोग बाहर कैसे आएँ, अपनी जो दिनचर्या है वो कैसे करें? इनके खेत तो पहले ही पानी में डूब चुके हैं। सतलुज नदी का जो पानी ओवरफ्लो हो रहा है वो लगातार जो फसलें हैं उनको अपने साथ बहाता हुआ लेके जा रहा है। ये आनंदपुर साहिब का लोधीपुर गाँव है और इस गाँव के हालात आप देखिए, गाँव लगातार
पानी में डूबता जा रहा है। एनडीआरएफ बुलाने का ऐलान पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किया, लेकिन अब तक एनडीआरएफ भी नहीं पहुंच सकी है। और यहां पर आप देखिए पानी तेज रफ्तार के साथ गांव को लगातार डुबोता जा रहा है। आप ये बताइए जी, कैसे आप लोग फिर यहाँ पर अपना घर चला पा रहे हैं, आपके दिन के काम काज कैसे हो पा रहे हैं? काम काज तो बिल्कुल ठप हुए हुए जी, पानी के बाहर कहाँ बंदा आदमी काम करने ही जाएगा। फसलें डूब गई आपकी? फसलें डूब गई हो तो सब देख ही रहे हो आप। घर में कैद होकर रह गए हैं आप लोग? बस खाने पीने का ही थोड़ा राशन रह गया बाकी। तो ये गांव लगातार डूबते जा रहे हैं, आप ये बताइए गांव में कहां तक पानी जा चुका है? आगे गुरुद्वारे हैं और जो घर हैं वो पानी में डूब चुके हैं। ये सामने जो आप गुरुद्वारा देख रहे हैं बाबा उदय सिंह जी का जो ऐतिहासिक स्थान है, इसका नाम गुरुद्वारा थड़ा साहब है। जे जहाँ खड़े हैं जे लिंक रोड जो इस थड़ा साहब के गुरुद्वारे के जा रही है, जे सब पानी आप देख रहे हैं यहाँ पर गुरुद्वारा साहब की ओर जा रहा है, वहाँ भी इतना पानी है जहाँ गोडे गोडे है, अलग अलग पानी है। सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि कई और राज्यों में भी लगातार बाढ़ की वजह से लोग परेशान हैं, और राजस्थान के भी कई जिलों में लगातार बारिश अब लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रही है। कई दफ़ा ये बाढ़ का पानी जानलेवा साबित हो रहा है, तो कई बार लोग खुद जान जोखिम में डालते नजर आ रहे हैं। और एक ऐसी तस्वीर राजस्थान के प्रतापगढ़ की है, जहां लगातार बारिश के बाद बाढ़ की वजह से रास्ता पुल पूरी तरह से डूबा हुआ था, बावजूद उसके उस पुल पर से एक बाइक सवार पार होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तेज बहाव में वो संभल नहीं पाया और पुल से सीधे नीचे गिर गया। हालांकि बाद में कई लोगों की मदद से उसे इस तेज बहाव से बाहर खींचा गया और सुरक्षित निकाला गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, राजस्थान के कई जिलों में खासतौर पर दक्षिण पूर्वी जिलों में लगातार बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं और ऐसे में कई पुल डूबे हुए। तो वहीं राजस्थान के पुष्कर में लगातार बारिश हो रही है, भारी बारिश की वजह से पवित्र नगरी पुष्कर भी पानी पानी हो गई है। बारिश की वजह से पुष्कर के कई इलाकों में सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। जिन सड़कों पर गाड़ियां चलती थी वहां पर अब कमर तक पानी भरा हुआ है। ये तस्वीरें आप देखिए और अंदाजा लगाइए कि ये सड़क किसी तालाब की तरह दिख रही है। पुष्कर का पवित्र सरोवर भी भारी बारिश की वजह से लबालब हो गया है। हालात ये हैं कि यहाँ कई होटलों में भी पानी भर गया है। बारिश की वजह से यहाँ कुछ जगहों पर पर्यटक भी फंस गए हैं, जिन्हें फिलहाल बाहर ना निकलने की सलाह दी गई है। राजस्थान में लगातार हो रही तेज बारिश की वजह से करीब आधा दर्जन खराब की स्थिति है, कई जगह बाढ़ की स्थिति है। इस वक्त हम अजमेर के अंदर हैं और अजमेर शहर की ये पुष्कर की ओर जाने वाली सड़क है, जयपुर से पुष्कर की दिल्ली और सिटी के बिल्कुल बीच का वैशाली नगर का इलाका है। और वैशाली नगर के इलाके का ये थाना सागर का इलाका जो सबसे यहाँ का हॉटस्पॉट सौंदर्य माना जाता है शहर का, लेकिन आना सागर की ओवरफ्लो हो रही है, पानी लगातार हो रही बारिश की वजह से पानी ऊपर आ रहा है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जल भराव की स्थिति हो रही है, गाड़ियाँ पानी के अंदर डूबी है, लोग यहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए आए लेकिन शायद पिकनिक महंगा पड़ रहा है, गाड़ियाँ पानी में डूब रही है, लोग यहाँ से अब कोशिश कर रहे हैं निकलने की। और हाइकिंग ट्रैक कह सकते हैं कि आना सागर का जहाँ इस वक्त एक बड़ा ट्रैक बना हुआ है, वहाँ से जाते हैं, लेकिन साइकिल स्टैंड के अंदर स्टैंड चारों ओर से पानी से गिर गया। इस वक्त हम पुष्कर सरोवर के उस पुलिया पर पहुंच चुके हैं जिससे पानी लगातार आ रहा है, इससे सरोवर के अंदर पानी की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। और अब ये तस्वीरों में देख सकते हैं कि ओवरफ्लो हो चुका है, तकरीबन जो बीच का वे है जिससे लोग जाते हैं श्रद्धालु, वो भी तकरीबन पानी के अंदर डूब चुका है। आसपास की जो होटल है, तमाम होटल आप देख सकते हैं कि ये राजभवन होटल, ये तमाम होटलें पानी के अंदर डूब चुकी है। और इससे अभी अभी इन होटल से कुछ फॉरेन टूरिस्ट थे उनको रेस्क्यू किया गया, इसी के अंदर जो होटल मून लेक रेस्टोरेंट है यहाँ से रेस्क्यू किया गया यहाँ से। और पानी लगातार बढ़ रहा है, इसलिए खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। और ये जो पानी आ रहा है पीछे की तरफ जो पहाड़ियाँ नजर आ रही है वहाँ से पानी आ रहा है, और ये सरोवर का और पिछला हिस्सा जहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम होटलें पानी के अंदर लगभग डूब चुकी है। ये देखेंगे आप कैमल सफारी बिल्कुल पानी के अंदर डूब चुकी है, सामने की तरफ जो होटलें नज़र आ रही है डूब चुकी है। और इस वक्त कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग फंसे हैं उनको निकाला गया था। क्या यहाँ पर
लेते हैं, कितने लोगों को निकाला आपने? सर करीब यहाँ पर 25 सदस्य इंडियन यात्री और साथ ही 8 सदस्य विदेशी सुबह 6 बजे। कौन सी होटल में, किस किस होटल में? ये सर आप जो सामने झूला कैफे जो देख रहे हैं जी, ये और इसके पास वाली जो होटल है इनसे यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, यहाँ से निकाल लिया गया जी सर। कोई और मिस हैपनिंग हुई यहाँ पर किसी तरह की? नहीं सर, ऐसा कुछ मिस हो कहीं नहीं। पहले जो भी जानवर यहाँ पे गाय राजस्थान के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं, तो उत्तराखंड में तो लोगों पर मौसम की दोहरी मार पड़ रही है। लगातार बारिश और बाढ़ से कई रास्ते पुल डूबे हुए हैं, तो कई जगह लैंडस्लाइड लोगों का रास्ता रोक रहा है। हालांकि लगातार बारिश के बाद कई रास्ते बंद हैं, जिसमें अब बद्रीनाथ जाने वाला रास्ता भी बंद हो गया है। तो वहीं उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे से जारी भारी बारिश से नदियां उफान पर हैं। उत्तराखंड के बागेश्वर में सरयू नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है, जिस वजह से नदी के आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। उत्तराखंड के बागेश्वर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश जारी है। उत्तराखंड में बीती रात से भारी बारिश हो रही है और लगातार बारिश होने के बाद अब नदियां जो है उनका जल स्तर अब बढ़ने लगा है। मैं इस वक्त सरयू नदी में हूं और बागेश्वर कपकोट में ये नदी जो आपके सामने दिखाई दे रही है, इसका जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि जो ऊपर बारिश हो रही है उसका पानी लगातार नदियों में बढ़ता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से आने वाला जो और कई हिस्से हैं वहाँ पर खतरा बरकरार है। क्योंकि मौसम विभाग के मुताबिक बीती रात से जो बारिश हो रही है उसके बाद पूरे राज्य में अलग अलग हिस्सों में अलर्ट जारी किया गया है और इस वक्त आप सरयू नदी का जल स्तर देख सकते हैं, क्योंकि तेज बहाव में ये नदी बहने लगी है। और अभी हालांकि यहां पर ये कहा गया है कि खतरे के निशान से नीचे है, लेकिन कुछ देर बाद, क्योंकि लगातार पहाड़ों में बारिश होने के बाद वहाँ का जो पानी होता है वो सड़कों से बहते हुए नदियों में गिरता है और उसके बाद ये नदी का जो प्रवाह है और तेज़ हो जाएगा, और ये बताया जा रहा है कि कुछ देर बाद यहाँ पर लगातार पानी बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है उसके बाद यहाँ पर ये कहा जाएगा कि इसी तरह से नदी का जल स्तर बढ़ता रहेगा और खतरे के निशान से ऊपर बहते ही आसपास के लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन ने फौरी तौर पर पूरे इलाकों में जो उत्तराखंड के अलग अलग जिले हैं, जैसे बागेश्वर जिला है, पिथौरागढ़ है, चमोली है, रुद्रप्रयाग है, इन सभी यहां पर जो भी नदियां बहती हैं वहां पर लोगों को उस रूट से जाने से रोका गया है। वहीं लैंडस्लाइड का खतरा भी अब पहले से ज़्यादा बढ़ गया है। कैमरामैन विपिन पुजारी के साथ दीपक बिस्ट, न्यूज़ 18 इंडिया, बागेश्वर, उत्तराखंड।